केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन JJM के तहत हर घर जल कनेक्शन की सौगात दी गई है, जिसके लिए आज रामगढ़ विधानसभा में गोविंदगढ़ क्षेत्र की सैदमपुर ग्राम पंचायत में सैदमपुर गांव में जल जीवन मिशन की पानी की टंकी के लिए स्थान चिन्हित किया है। यहां पर पूर्व में ये कार्य काफी समय से अटका हुआ था, जिसे विधानसभा रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी रहे जय आहूजा के अथक प्रयास से करवाया गया है। ये अब सैदमपुर गांव में जल्दी ही पानी की टंकी बनने से घर घर तक पानी उपलब्ध हो सकेगा। भूमि चिन्हित करते समय मौके पर सरपंच प्रतिनिधि गोपीलाल, भाजपा प्रवक्ता कैलाश गुरुजी, काका फूल, रवि सनातनी, युवा मोर्चा महामंत्री कुलदीप शर्मा, गोपाल सोलंकी, धर्मेंद्र स्वामी, धीरज भगवती सहित भाजपा के कार्यकर्ता व स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। ये जो राजस्थान में हमारी बीजेपी सरकार को जनता जनार्दन ने सेवा करने का मौका दिया है, इसके तहत हमारी सरकार और हमारे बीजेपी प्रत्याशी रहे जय भाई साहब पूरी तरह से लगे हुए हैं कि केंद्र की सरकारों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। जल जीवन मिशन जो है ये पहले से ही केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जो कि कुशासन और कांग्रेस के भ्रष्टाचार अधिकारियों की वजह से पूरी तरह से लागू नहीं की गई थी और उसका खामियाजा हमारी प्यारी भोली सीधी सादी जनता भुगतती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब राजस्थान में भी डबल इंजन सरकार है। उधर केंद्र में जो जो मोदी जी की विश्वसनीय महत्वाकांक्षी योजनाएं, उन सभी का लाभ हमारे प्यारे ग्रामवासियों को मिलेगा, जिसकी शुरुआत हमने आज सैदमपुर गांव से कर दी है। मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे जय भाई साहब की तीन प्रमुख घोषणाएं थी जिनको लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। पहली, जल जीवन मिशन को घर घर तक पहुंचाना। दूसरी, भयमुक्त रामगढ़। तीसरी, पढ़ी लिखी बच्चियां और सुरक्षित महिलाएं। इसी के अंतर्गत आज हमारी गोविंदगढ़ मंडल की जो टीम है उसमें हमारे फूल काका है, सोलंकी साहब है, राजकुमार जी हैं, धीरू भैया हैं, रवि भैया हैं, ये इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ सबसे पहले जय भाई साहब ने एक टंकी सेंशन कराई है, जिसका काम युद्ध स्तर पर होगा और बहुत जल्द इसको पूर्ण करने के बाद में उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। मैं एक बात और आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के राज में जल जीवन मिशन के लिए जो पैसा आया था उसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं किया गया था, उसको बीच के भ्रष्टाचारी खा गए, या जहां मैडम साहिबा के अपने चहेते लोग थे वो खा गए, या जो भी जनता के पास में पैसा जो जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंच पाए। अगर अभी इसकी युद्ध स्तर पे जय भाई साहब ने फाइल लगवा दी है, जांच चल रही है और जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, JEN हो, AEN हो, चाहे वो सरकारी महकमे से हो या वो राजनीतिक महकमे से हो, सभी की पोल खुलेगी और सभी के काले छिट्टे बाहर आएंगे। जय बीजेपी, जय राजस्थान, जय बीजेपी। सैदमपुर जल जीवन मिशन के तहत ही हमने जो जगह निर्णय लिए, सैयद सैदमपुर के पास सैयद की जगह है, सैयद में बाउंड्री हुई पड़ी, इसमें जगह जल जीवन मिशन जो घर घर टैंकी बनकर घर घर जल जाएगा पानी के लिए सुविधा दी है। इसके लिए जय ओझा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये हमारा कार्य शुरू किया है। हम ग्राम पंचायत सैदमपुर के सभी ग्रामवासियों की सहमति से ये जगह का हमने निर्णय लेके जगह पानी की टैंकी जल जीवन मिशन के लिए तय की है। इसके लिए, इस कार्य के लिए जय हो जा जी का